ये उलझा है मन जी, व्यथित की व्यथाओं में जी, अपने ही गांव में जी। और सही बात है कि जब हम अपने गांव को जी सुंदर नहीं बना सकते, गांव को शांतिपूर्ण नहीं बना सकते, गांव को संपन्न नहीं बना सकते, तो फिर हम समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम उलझे रहते जाते हैं गांव में। ये मेरे भाव में आया तो मैंने वहीं से लिखा कि उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में, समाचारों के ढेर में कुछ समझने के फेर में, समाचारों के ढेर में कुछ समझने के ढेर में, कुछ समझने के फेर में उठाई निगाह तो समाचारों का अंबार अपने ही गांव में, उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। हाथ बीतों में क्या जी, हाथ बीतों में क्या इंच भर जमीन में लड़ सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, किंतु करौंदे की झाड़ को नहीं छोड़ सकते। अन्यत्र क्या कहूँ नहीं है सुरक्षित कोई, अन्यत्र क्या कहूँ नहीं है सुरक्षित कोई, अपने ही गांव में उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। चौंकता हूँ ऊब कर अनंत में कुछ खोजता हूँ कि अपने ही भारत में हुआ होगा महाभारत जी। चौंकता हूँ ऊब कर अनंत में कुछ खोजता हूँ कि अपने ही भारत में हुआ होगा महाभारत। अकल की आड़ में जी, अकल की आड़ में नकल करेंगे नरसंहार का अपने ही गांव में, उलझा है मन व्यथित की व्यथाओं में अपने ही गांव में। ये गांव की पीड़ा थी जी, जो रह रह करके मेरे अंदर जी कविता का स्वरूप लेती। हालांकि ये भाव सबके अंदर आते हैं, हम आप उसको शब्द शिल्प में दे करके कविता का रूप ले लेती है, लेकिन ये अनुभूति सबको होती है।